अस्सलामुअलैकुम अय्याल फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपके दुआओं से अल्लाह का शुक्र है, मैं भी ठीक हूँ और मेरी भी दुआ, मेरे देखने वाले ये भी जहाँ रहे खुश रहे आबाद रहे। और आज की बायोग्राफी है हार्बी संगा, ये एक फेमस पर्सनैलिटी हैं, ये एक्टर भी हैं, कॉमेडियन भी हैं और सिंगर भी हैं। और इस वीडियो में इनकी स्ट्रगल के बारे में बताया जाएगा, किस तरह हार्बी संगा ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल की और कामयाबी को हासिल किया। ये बहुत ही गरीब थे। और आज के वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप तमाम प्यारे भाइयों से गुजारिश करता हूँ, प्यारे भाई वीडियो को लाइक लाजमी कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। और अगर आप हार्बी संगा के फ़ैन हैं तो कमेंट में हार्बी संगा फ़ैन लिख कर ज़रूर कमेंट करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। हार्बी संगा की मदर का जो नेम है, उनका नेम है प्रीतम कौर, और उनके फादर का जो नेम है वो है सरदार स्वरम सिंह, और उनकी बोर्न सिटी है पिंड सांगा, शहर नकोता, जिला जलंधर, पंजाब में ये पैदा हुए। और इन्होंने ग्रेजुएशन की DBA कॉलेज नकोतर से, और ग्रेजुएशन करने के बाद इनके घर के हालात काफ़ी ख़राब थे, इनके शुरू से ही इन्होंने गरीबी देखी है। और इन्होंने अपनी जो इनको बचपन ही से एक्टिंग का बहुत शौक था, बचपन में से बहुत ही मजाकिया थे, बहुत ही फनी थे। और इनकी शादी, इनके वाइफ का जो नेम है वो है सिमरन संगा, और इनकी इनका एक बेटा भी है और इनकी एक बेटी भी है। तो जब इन्होंने अपनी ये करियर का आगाज़ किया तब इनकी शादी हो चुकी थी, और इन्हें बाज़ दफ़ा बहुत ही मायूसी का सामना करना पड़ा। और जब ये कॉलेज में इन्होंने बहुत सारे शोज़ में पार्टिसिपेट किया, और उधर से जब पहली दफ़ा इनको एक शो से 20 रुपये मिले थे, 20 रुपये मिले थे, उनके बाद इन्होंने आर्केस्ट्रों के साथ जाना शुरू कर दिया, फिर 150 से 200 रुपये कमा लेते थे। लेकिन एक वक्त ऐसा भी था, इन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि एक दफ़ा ये शो करने के लिए गए और वहाँ इन्होंने एक अच्छे कॉमेडी का मुजाहरा किया, और जितने भी ऑर्गेनाइज़र थे उनसे कहा कि यार मैं गाड़ी पे आया हूँ, मुझे 200 रुपये और दे दो। लेकिन उन्होंने कहा यार हमारा इतना बजट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है, इनका कहना ये था कि हमने इतने थोड़े पैसों में भी काम किया है। और एक वक्त ऐसा था, ये इतने मायूस हो चुके थे कि इनका सर्कट घर का निज़ाम सर्कट नहीं चल रहा था 150 से 200 रुपये से। तो इन्होंने अपनी बीवी से कहा कि यार मैं इससे अच्छा कंपाउंडर जो है, ये एज ए कंपाउंडर भी रहे हैं, इन्होंने कहा क्यों ना मैं कंपाउंडर का काम शुरू कर लूँ, इससे मैं महीने का 5 से 6 हज़ार रुपये कमा लूँगा और इससे हमारे घर का निज़ाम भी अच्छा चलेगा। लेकिन इनकी बीवी सिमरन संगा ने इनको हौसला दिया और कहा कि आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला की ज़ात हमारा कोई ना कोई वसीला लगाएगी, तो आप ऐसी लाइन में मेहनत करते रहें, आप बहुत ही अच्छे एक्टर हैं, आप जैसी कॉमेडी कोई भी नहीं कर सकता। तो फिर बात करते हैं, इनकी एक मुलाकात एक फेमस कॉमेडियन एक्टर के साथ हुई, गुरप्रीत घुग्गी के साथ। इन्होंने 18 से 20 साल इनके साथ काम किया, और फिर ये TV शोज़ में भी आना शुरू हो गए, और फिर एक मूवी में आए सानू मान वतना दा, इनमें इनका मुख्य सा रोल था, लेकिन वे इस मूवी में आ गए। और उसके बाद ये आए दिन जितनी भी पंजाबी मूवीज़ हैं उनमें इनका फेमस रोल अदा रहा है। इन्होंने ऐसी कॉमेडी की है कि इनकी कॉमेडी बच्चे इनकी कॉमेडी को जानते हैं, बड़े भी इनकी कॉमेडी का फ़ैन है, मैं खुद भी इनकी कॉमेडी का फ़ैन हूँ। इनकी कॉमेडी का कोई जवाब नहीं है, एक मैं अभी पाकिस्तान से हूँ और मैं भी इनका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ। तो इनकी जो एक्टिंग है वो भी लाजवाब है। तो बताता हूँ इन्होंने किन फिल्मों में सुपर डुपर हिट रोल किया और लोगों के दिलों में जगह बना ली। कैरी ऑन जट्टा में इनका रोल है, अरदास मूवी में इनका रोल है, लावा फेरे में इनका रोल है, किस्मत मूवी में इनका रोल है, अट दी जिड़ी में इनका रोल है, रब दा रेडियो में इनका रोल है, निकाह जैलदार 1-2 में भी इनका रोल है, प्रोणा मूवी में भी इनका रोल है, बम्बू कार्ड मूवी में भी इनका रोल है। तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने इतनी मूवीज़ बनाई। और एक वक्त ऐसा था कि जब इनके पास पैसे नहीं हुआ करते थे, एक 20 रुपये मिलते थे इनको पहले शो के, और आज एक फेमस पर्सनैलिटी बन चुके हैं। और इनकी एक वाइफ भी है और इनका एक बेटा भी है और एक बेटी भी है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरह अपनी ज़िंदगी में मेहनत की। और हार्बी संगा बहुत हैं जिन्होंने लोगों के दिलों में, लोगों के चेहरों पर खुशियां बखेर दी। और इंसान जब मेहनत करता है तो कुछ ना कुछ मिलता ज़रूर है, मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। अगर बंदा मेहनत सच्चे दिल से करता है ना तो उसका फल ज़रूर मिलता है। तो जिस तरह हार्बी संगा ने मेहनत की, इस तरह आप भी मेहनत करें, इंशाल्लाह आप भी ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से काफ़ी इंजॉय और नॉलेज गेन किया होगा। तो चलें वीडियो का अहतमाम करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड, दुआ में याद रखें।